न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं पीएन घाटी आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स पीएसजे टीवीएस सुधा हेल्थ केयर ली बालाजी फैशन हर घर की पसंद जेस ज्वेलरी मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट सुधा उद्योग चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी। एक तरफ जहां माकपा ने स्टर्लिंग हॉस्पिटल से एसबी गराई रोड होते हुए सुकांतो मैदान तक एक बाइक रैली निकाली, जिसका नेतृत्व माकपा प्रत्याशी पार्थो मुखर्जी ने किया। हालांकि पार्थो मुखर्जी माकपा के वोट बैंक को वापस लाने की दिशा में काफी प्रयास किए, इस बार उन्होंने जामुड़िया और रानीगंज क्षेत्र में मजबूती के साथ प्रचार किया, क्योंकि ये इलाका लाल दुर्ग माना जाता था। पार्थ मुखर्जी ने वीरभूम और अनीश खान की घटना को उछालकर मुस्लिम वोटरों को भी आकर्षित करने का काफी प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सांसद के प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। गौरतलब है कि शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में विशाल जुलूस के साथ रोड शो किया गया था। इसके जवाब में भाजपा के भी कई दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में रोड शो की गई। चुनाव प्रचार थमने के बाद 12 अप्रैल को मतदान होगा। आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण, पांडेश्वर, बाराबनी, रानीगंज, कुलटी और जामुड़िया के 17,36,475 मतदाता 2,102 मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1,878 मुख्य मतदान केंद्र और 224 सहायक मतदान केंद्र हैं। वहीं 8,90,869 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 8,45,562 महिलाएं एवं 44 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। करवाने के लिए सक्रिय और रिजर्व कुल 10,080 मतदान कर्मी हैं। सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। मतगणना 16 अप्रैल को होगी। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रसन्नजीत पोतंडी के समर्थन में प्रचार करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व संसद के प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी आसनसोल पहुंचे। रविवार को अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में आसनसोल LIC स्थित AG चर्च स्कूल से एक पदयात्रा निकाली गई, जो BNR सिटी बस स्टैंड होते हुए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के गेट के पास समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती, पार्षद SM मुस्तफा, प्रत्याशी प्रसन्नजीत पुतुंडी, इंटक नेता विनोद सिंह, चंडी बैनर्जी के साथ सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रमजान का पवित्र महीने के साथ रामनवमी का दिन भी है। ऐसी स्थिति में मैं अपने दल के प्रत्याशी प्रसन्नजीत पुतुंडी के समर्थन में प्रचार करने के लिए आया हूँ। पदयात्रा के दौरान लोगों का जो समर्थन मिला वह काफी अच्छा रहा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश को लूट रही है, तो वहीं राज्य के तृणमूल सरकार प्रदेश को लूट रही है। একদিকে রমজান চলছে, রামনবমী চলছে, তার মধ্যে এখানে ভোট হচ্ছে। সর্বোপরি যে এখানকার ভোট হচ্ছে সে যেন মনে হচ্ছে সেই পৌরসভার ভোট আর পঞ্চায়েতের ভোট হচ্ছে। আমাদের প্রার্থী প্রসেনজিৎ তার ব্যাগ বেষ্টন তার যত কাটাও সব ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। মানে এবারের ভোট, এই যে উপনির্বাচনের ভোট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের আওতায় হলেও এখানে পুলিশ যেভাবে এখানকার তৃণমূলের মস্তানদের সহযোগিতা করছে, যেভাবে বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেসের প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে, কংগ্রেসের প্রচারে যা যা কিছু সরঞ্জাম উপকরণ আমরা মানুষের জন্য পেশ করিয়ে সমস্ত কিছু ছিঁড়ে ফেলে কেড়ে নিয়ে যেভাবে নির্বাচনের আগেই একটা নির্বাচনী সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, এই বিষয়টা আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করি। নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ হবে বলে মনে করছো? আমার মনে হয় না নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবার কোনো স্কোপ নেই বলে আমি মনে করি। অজিত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে আপনি শুভেন্দু অধিকারী এবং সুজন চক্রবর্তী জগাই মাধায় কোটানকোট এই শব্দ প্রয়োগ করেছেন। দেখুন, আজকে ভারতবর্ষের সবাই জানে দিদি আর মোদির রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী সম্পর্ক। সেই নির্বাচনী সম্পর্কের কিছুটা প্রতিফলন আপনারা কয়েকদিন আগে দেখলেন গোয়ার ভোটে। বাংলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, তার ভাইপো, আত্মীয় পরিজন সবাই গিয়ে গোয়াতে হারানোর চেষ্টা করলো কাকে? কংগ্রেসকে। গোয়াতে এবার কংগ্রেস জিত, সবাই জানত, বিজেপিও জানত, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি এবং মোদির মধ্যে যে অশুভ আতাত, দিদি আর মোদির যে অশুভ আতাত,
সেই অশুভ আদাতের সুযোগ নিয়ে বিজেপি গোয়াতে কংগ্রেসকে হারিয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল করল। তাই কালীঘাটের মন্ডা নিয়ে তিনি মোটামুটি মোদীকে ম্যানেজ করে নিয়েছে। তাই একথা যারা বলছে তাদেরকে বলবো একটু অতীতটা দেখতে। এই মোদীর যারা পূর্বসূরি বিজেপি পার্টির সরকারের সঙ্গে ঘর সংসার করেছেন যে মহিলা, সেই মহিলার নামই আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुड़ाई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान BN घाटी में चल रहा है चैत्र सेल, 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आए और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गार्मेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, BN घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटो मूवर्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहां मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहां सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटो मूवर्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। नंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टेक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 8436000010। आसनसोल जगने लगा है, अग्नि भी जगने लगा है। अग्नि जब असर करेगी, सोच नजारा क्या होगा। भगवा फहरने लगा है, आसनसोल जगने लगा है। अग्नि जब असर करेगी, तो बोल नजारा क्या होगा। इस गाने के बोल से गायकी का हुनर पेश करते हुए भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार, प्रसिद्ध गायक सह भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने रविवार को नरसिंह बांध के मुंगेरिया खटालपाड़ा इलाके में प्रचार किया। उनके इस गाने को सुनकर मतदाता भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि मैं 8 दिनों से आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ भाजपा की जीत निश्चित है, क्योंकि लोग कह रहे हैं चुपचाप कमल छाप। आसनसोल के लोग हमेशा मोदी के समर्थन में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आसनसोल की जनता अग्निमित्रा पॉल को अपना आशीर्वाद अवश्य देगी। लगा है आसनसोल जगने लगा है, जगने लगा है।
भगवा रंग चढ़ने लगा है। और अग्नि मित्रा पौल नाम है ना, तो मैं इसको कहता हूँ अग्नि अब जगने लगा है। बहुत बढ़िया। आसनसोल जगने लगा है, अग्नि भी जगने लगा है। अग्नि जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। ये तो ठीक है ना, तो आप लोग इसको इसी भाव में लीजिएगा, यहाँ की चाय पी लिए और बाकी फिर मैं जितना घूम चुका हूँ, ये मेरा आठवां रोड पे टहल रहे हैं, सब आदमी है चुपचाप और दबेगा कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहुरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट, 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहुरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहुरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर, LED TV, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5,000 रूपए तक का कैश बैक, तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्दपुर रोड, आसनसोल। चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सील का लाभ उठाएं और पाएं 70% तक की छूट। चित्र सील श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम, डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल में टीवीएस टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर पीएसजे टीवीएस 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। बर्णपुर शिवस्थान कमेटी के द्वारा रामनवमी के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बर्णपुर इलाके के 14 अखाड़ा कमेटियों समेत अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा शिवस्थान से शुरू होकर स्टेशन रोड, बारी मैदान, सिटी बस स्टैंड होते हुए पुनः शिवस्थान में आकर समाप्त हुई। पिछले 2 साल कोविड संकट की वजह से अखाड़ा नहीं निकाला जा सका था। इस मौके पर राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक और आसनसोल लोकसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंचे। दोनों नेताओं ने अखाड़ा कमेटी के सदस्यों को शुभेच्छा दी। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आज रामनवमी के अवसर पर यहां जो विशाल शोभा यात्रा को देखा तो हृदय गदगद हो गया। रामनवमी के दिन इतनी बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी शोभा यात्रा, रामनवमी की विजय यात्रा आज सब देखा मैंने। इतना विशाल रूप देखा, जनता जनार्दन का वो रूप देखा जो इसके पहले शायद मैंने कभी नहीं देखा था, आज अपने आसनसोल में देखा। गदगद हो गया हृदय। मेरी यही प्रभु से, राम से या तमाम प्रभु से यही मेरी कामना है कि आज प्रचार के अंतिम दिन में, इस प्रचार के अंतिम दिन में सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी प्रार्थना स्वीकार हो, समाज में शांति हो, सुख हो, सद्भावना हो, प्रगति हो और प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। इसी कामना के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ अभी मैं आगे दूसरे और कार्यक्रम में जा रहा हूँ। कई मंदिर में जाना हुआ, अभी मेरी पत्नी भी रामनवमी क्या वार्ता दीजिएगा सर? अरे रामनवमी का ही तो बोल रहा हूँ मैं, तो खुद आज की रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। मेरे तो घर का ही नाम रामायण है। हम तो 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। हमारे 2 जुड़वा बेटे हैं, लव, कुश। हमारे परिवार का जो देखभाल करते हैं उनका नाम है पवन कुमार। सालों से तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा संयोग भी है, बहुत अच्छा प्रयोग भी है और बहुत अच्छा उपहार भी है हमारे लिए। হচ্ছে গত 2 বার কোভিডের জন্য হয়নি, এবারে রামনবমী আবার হচ্ছে। আমরা যেমন প্রতি বছর থাকি এবছরও আছি। সারা বছর মানুষ সুখী থাক, খুশি থাক, আমরা প্রচার করছি। এখানে রামনবমীর মিছিল ছিল, আমি এবং প্রার্থী দুজনেই এসেছিলাম। যারা রামনবমীতে আজকে আখড়াতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানালাম।
दुर्गापुर मेन गेट अखाड़ा कमेटी के द्वारा रामनवमी के अवसर पर रविवार को एक शोभा यात्रा के साथ अखाड़ा भी निकाला गया। अखाड़ा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया, क्योंकि कोरोना के कारण 2 साल से अखाड़े का आयोजन नहीं किया गया था। 2 वर्ष के बाद अखाड़ा निकाला गया तो लोगों में उत्साह दुगना देखने को मिला। इस अखाड़े में इलाके के युवक और युवतियों ने लाठी अन्य खेल का प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड पार्षद धर्मेंद्र यादव के साथ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता उपस्थित थे। वहीं पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी की जा रही थी। কাদাওড় মেন গেট এই অঞ্চল যেখানে হিন্দিভাষী সমাজ আছেন শুরু থেকে 1965 সাল থেকে, ওই সময় এই নবরাত্রের এই চৈত মাসের নবরাত্রের বলুন বা আঘন মাসের বলুন যে সময় দুর্গা পুজো হয়, ওটা আমাদের পূর্বজরা প্রতি বছরই করে আসছে। ওটা কখনো কখনো সংখ্যাটা বেশি হয়, কখনো সংখ্যাটা কম হয়, এটা কোনো পার্টি কালার নেই, এটা সাংস্কৃতিক ধার্মিক প্রোগ্রাম প্রতি বছরই হয়ে থাকে, এবারও হচ্ছে। এবং এটা নিয়ে পুরো মেন গেট অঞ্চল, মেন গেটটা যে করছে কাদের সীমানন্দ থেকে মেন গেট সবাই কম বেশি পার্টিসিপেন্ট, এবং ওই 34 সবাই কম বেশি গেমন থেকে কাদের আপনার রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত সবার পার্টিসিপেন্ট কম বেশি থাকে। উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই সবাই থাকে, ওটা সব পার্টির সবার সঙ্গে মিলেই থাকে। ওটা নিয়ে আগেই বলে দিই, কাদের মেন গেটে এই প্রসেশনগুলো নিয়ে কোনো রাজনীতির কোনো জায়গা নেই, এটা ধার্মিক প্রোগ্রাম, সামাজিক প্রোগ্রাম, লাস্ট 50 ইয়ার্স হয়ে চলে আসছে এবং আগামী দিন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं पीएन घाटी आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स पीएसजे टीवीएस फर्नीचर वर्ल्ड सुधा हेल्थ केयर ली बालाजी फैशन हर घर की पसंद चेस ज्वेलरी मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट सुधा उद्योग